गरीबी और लाचारी क्या होती है, ये सब भले ही सुनने और बोलने में आसान हो, लेकिन जीवन में इन शब्दों का प्रभाव शायद चुरू के 55 वर्षीय रूपचंद भाट से बेहतर शायद ही कोई और जानता हो। दोनों नेत्रों से 100% ब्लाइंड चुरू के रूपचंद आज जीवन के उस कठिन दौर से गुजर रहे हैं जिनकी दर्द भरी दास्ता सुन शायद पत्थर दिल भी पिघल जाए। दरअसल शहर के कालेराबास निवासी रूपचंद बताते हैं कि उन्हें ये अंधता विरासत में मिली है, जो स्वयं भी 100% ब्लाइंड है और रूपचंद की 60 वर्षीय बहन संतरा भी 100% ब्लाइंड है। रूपचंद बताते हैं उसके दो सगे भाई भी नेत्रहीन थे जिनका देहांत हो गया। आज हालात ये है कि रूपचंद के घर में दूसरा कोई और कमाने वाला और उन्हें खिलाने वाला नहीं है। बावजूद इसके नेत्रहीन रूपचंद और उनकी बहन संतरा अपने जीवन से हताश और निराश नहीं, बल्कि इन्हें अब भी जीवन में रंगों से सराबोर उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। निर्धन नेत्रहीन इन भाई बहनों के लिए चुरू पुलिस का एक कांस्टेबल अब उम्मीद की किरणें जगा रहा है और इस परिवार की मदद के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है। चुरू पुलिस के कांस्टेबल डॉक्टर भागीरथ मेघवाल बताते हैं कि जब उन्हें रूपचंद की स्थिति का पता चला तो उनसे रहा नहीं गया, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के सहारे रूपचंद की आर्थिक मदद के लिए एक कैंपेन चलाया। उसके तहत उस मैसेज को जो भी पढ़ रहा है वो ना सिर्फ उसे आगे शेयर कर रहा है बल्कि रूपचंद की आर्थिक मदद भी कर रहा है। तो यह है बाबू जी का 33 साल का उदाहरण है, जब बाढ़ का माने रतौंधिक बीमारी कोई ऑटोमेटिक इसी कोई परंपरा से चल रही है। वैसे मेरी भाण का मेरे और भाई का भी यही बीमारी है। हमारे कोई कमाणी है तो कोई आत कोई खाली पेंशन के आधार पर बैठे क्या कोई मान लो दातार कोई आवे तो वे माने कोई दे जाए रोटी पानी को गुजार। तो देखो भागीर जी हम जो मैंने जो 20 किलो तो कणक आटो ही दे, 2 किलो तेल दे, 1 किलो चीनी दे, 5 किलो चीनी दे, 1 किलो लहसुन दे, 1 किलो जो पापड़ दे। तो दिन चलिया काम तो यहाँ है, मार तो घर घर में फिरा मैं तो बस बारह कौन जाए बारह, ना तो माने साढ़ दिखे ना माने आदमी दिखे। ठीक रूपचंद जी मतलब अंधे थे फिर भी ये मतलब घर घर जा कर के बेचारे आटा मांग करके अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन एक दिन दीपावली से पहले एक सांड ने जोरदार टक्कर मारी जिससे रूप जी एकदम घायल हो गए। जब हमें पता लगा कि रूप जी मतलब बीमार है और हॉस्पिटल में भर्ती है तो हमने उनकी थोड़ी मदद की, राशन पानी की और कुछ नकदी दी। अब है उनके जो घर है वो बिल्कुल टूटा फूटा है और बरसात के मौसम में बिल्कुल है वो रह नहीं सकते, इसलिए हमने एक सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि रूपचंद जी के घर को रूपचंद जी को आर्थिक सहायता प्रदान करें जितना हो सके। मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से इनको एक रसोई और एक मकान बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा और 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर इनका निर्माण कार्य है वो शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।